अंगूरी भाभी का जन्मदिन बन गया मनहूसियत वाला जन्मदिन। बर्थडे पार्टी में गिर गया तिवारी जी पर पंखा और टूट गई अनिता भाभी की टांग। मोहल्लों के लौंडों को भी पड़ गई पठानों से मार, क्योंकि अंगूरी भाभी हो गई हैं 31 साल की। और एक भविष्यवाणी हुई थी कि जैसे ही अंगूरी भाभी 31 साल की होंगी, उनके साथ मनहूसियत जुड़ जाएगी। ये अंगूरी मनहूसियत करके एक एपिसोड है हमारा, जिसमें मेरा बर्थडे है और जैसे ही मैं पूरे 31 साल में प्रवेश करती हूँ और यहाँ पे मनहूसियत का माहौल छा जाता है। सब लोग, सबके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई गिर रहा है, कोई किसी लड्डू के भैया पर तो पंखा गिर गया, तो बहुत बहुत बुरे हाल चल रहे हैं। अभी देखिए और क्या क्या होगा। कितनी मज़ेदार थी भाभी जी की ये बर्थडे पार्टी। सब उनके लिए तोहफे लेकर आए थे। विभूति तिवारी हमेशा की तरह लड़ाई कर रहे थे। दरोगा हप्पू सिंह सड़ा हुआ गुलाब का फूल लाए थे, तो कमिश्नर साहब भी नाचते गाते हुए यह पार्टी में शामिल हुए थे। सक्सेना जी को भी दो बार तमाचे पड़ चुके थे। मगर जैसे ही अंगूरी भाभी के 31वें जन्मदिन का काउंटडाउन तिवारी जी ने आरंभ किया, वैसे ही उनके सर पर आ गिरा पंखा। उनकी मदद करने गई अनिता भाभी गई तो वो भी फिसल गई और उनकी टांग में मोच आ गई। फिर यहाँ आए कुछ पठान, जिन्होंने टीका, मलखान और पेलू को धो डाला, तो अब सब मानने लगे कि भाभी जी के साथ मनहूसियत जुड़ गई है। मैंने सोचा था कि ये सब जो है अंधविश्वास है और इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हम तो खूब अपना पियेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये अंधविश्वास जो है सच साबित होगा और पूरा पूरा पंखा हमारी खोपड़ी पर गिर जाएगा। पोपट हो गई लड्डू के भाई। मगर कहानी यही नहीं थमती। अब तो भाभी जी मोहल्ले से गुजरती हैं और कुछ देर अगर किसी के साथ बातें करने खड़ी रहती हैं, तब भी वहाँ लोगों को मार पड़ जाती है। लगता है अब शायद कोई नहीं जाएगा भाभी जी के घर, ये कहते हुए कि भाभी जी घर पर हैं, जब तक ये अंधश्रद्धा दूर नहीं होगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।